क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस महीने की 26 तारीख से टेस्ट सीरीज की शुरुआत होनी है और उससे करीब एक हफ्ते पहले टीम इंडिया अफ्रीका दौरे पर जाएगी। अब सब कुछ ठीक था, बड़े और दिग्गज खिलाड़ियों के साथ टीम इंडिया बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रही थी, मगर टीम के ऐलान से ठीक पहले बहुत बड़ा झटका लग गया और एक दो नहीं बल्कि चार बड़े खिलाड़ी टीम से साउथ अफ्रीका के दौरे से बाहर हो गए हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और घोषित होने वाली टीम से इन खिलाड़ियों के नाम बाहर होंगे, इन चारों के नाम नहीं होंगे। तो कौन कौन है वो चार नाम, अचानक क्यों आ गई ऐसी आफत और कौन से चार खिलाड़ी इन्हें करेंगे रिप्लेस, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो अफ्रीका टूर के लिए किसी भी वक्त भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है, मगर इस ऐलान से ठीक पहले चयनकर्ता बड़ी आफत में आ गए हैं क्योंकि अचानक ये मुश्किल सामने आ गई और ये आफत चौतरफा रही। जी हाँ, एक दो नहीं बल्कि चार खिलाड़ी अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए और चारों ही खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं, नाम बहुत बड़े बड़े हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है रविंद्र जडेजा। जी हाँ, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए। कानपुर टेस्ट मैच के दौरान जडेजा की दाहिनी फोवाम में चोट लगी थी और इसी वजह से जड्डू मुंबई टेस्ट मैच से भी बाहर हो गए थे और अब भी जडेजा की चोट ठीक नहीं है। करीब एक महीने का जडेजा को रेस्ट बताया गया, यानी कि करीब करीब 10 जनवरी तक जडेजा को आराम करना होगा और इसका मतलब साफ है कि रविंद्र जडेजा अफ्रीका टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए क्योंकि टेस्ट मैच 15 जनवरी तक ही खेले जाने हैं और उसके बाद वनडे सीरीज के लिए हालांकि रविंद्र जडेजा का चयन हो सकता है। तो ये पहला और बहुत बड़ा झटका है। टीम के लिए दूसरा झटका अक्षर पटेल के रूप में है। जी हाँ, ये भी चौंकाने वाला नाम जरूर है और लेटेस्ट अपडेट यही है कि अक्षर पटेल भी मुंबई टेस्ट मैच के दौरान चोटिल हो गए और इसी वजह से आखिरी दिन अक्षर ने गेंदबाजी भी नहीं की और अक्षर पटेल भी चोटिल होकर अफ्रीका दौरे से टीम से बाहर हो गए। अक्षर को अफ्रीका दौरे के लिए भी टीम में नहीं चुना जाएगा, ये फाइनल हो चुका है। तीसरा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा है। जी हाँ, मुंबई टेस्ट मैच में फील्डिंग के दौरान गिल की कोहनी में चोट लग गई थी और इसी वजह से दूसरी पारी में वो ओपनिंग करने भी नहीं आए। हालांकि बाद में तीसरे नंबर पर आकर गिल ने बैटिंग की, मगर अब अपडेट ये है कि शुभमन गिल की चोट भी बढ़ गई है और इसी वजह से गिल भी टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं, अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए, उन्हें टीम में नहीं चुना जाएगा। अब टीम के लिए चौथा झटका है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा की उंगली डिसलोकेट हो गई थी और मुंबई टेस्ट मैच में इसी वजह से ईशांत नहीं खेल पाए और ईशांत को लेकर भी अपडेट है कि उनकी चोट को ठीक होने में वक्त लग सकता है, इसीलिए ईशांत शर्मा भी अफ्रीका दौरे से बाहर हो गए। अब यहाँ पर चारों ही बड़े नाम हैं जो टीम से बाहर हो रहे हैं और विराट कोहली को इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है अफ्रीका दौरे पर। अब इन चारों की जगह पर किन्हें मौका मिल सकता है वो भी देखिए और समझिए। रविंद्र जडेजा की जगह पर लेफ्ट आर्म स्पिनर शहबाज नदीम को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। नदीम को पिछले साल इंग्लैंड से घरेलू सीरीज में भी मौका मिला था, हालांकि तब नदीम प्रभावी साबित नहीं हुए थे, लेकिन दूसरे लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल भी टीम से बाहर हैं तो इसीलिए शहबाज नदीम को यहां पर एक बार फिर से मौका मिल सकता है। हालांकि यहां पर कुणाल पांड्या भी हैं जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाज हैं और उनको भी आश्चर्यजनक रूप से टीम में सिलेक्शन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ज्यादा संभावना शहबाज नदीम की है, लेकिन कुणाल पांड्या की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। जबकि अक्षर पटेल की जगह पर जयंत यादव को ही टीम में मौका मिलेगा, इन दोनों के साथ रवि अश्विन और वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में लिया जाएगा। वहीं शुभमान गिल की जगह पर अभिमन्यु ईश्वरन या फिर प्रियांक पांचाल में से किसी एक को टीम इंडिया के साथ अफ्रीका जाने का मौका मिलेगा। ये दोनों ही खिलाड़ी अफ्रीका दौरे पर मौजूद हैं और ए टीम के साथ वहां पर टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जबकि ईशांत शर्मा की जगह पर आवेश खान या फिर अर्जुन नगवासवाला को अफ्रीका टूर में जाने का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल का चोटिल होना बहुत बड़ा झटका है, जबकि शुभमान गिल और ईशांत की चोट भी टीम को खासा प्रभावित कर सकती है। तो आपका इस पूरे अपडेट पर क्या कहना है, किन किन खिलाड़ियों को किसने रिप्लेस करना चाहिए वो भी कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो टीम इंडिया का साउथ अफ्रीका दौरा करीब एक हफ्ते आगे खिसक गया है। पहला टेस्ट मैच जो 17 दिसंबर को शुरू होना था वो अब 26 दिसंबर से शुरू होगा और सीरीज में अब सिर्फ टेस्ट मैच और वनडे ही होंगे, T20 सीरीज बाद में खेली जाएगी। अब जल्दी इसके लिए टीम का ऐलान भी किया जाएगा, मगर टीम के ऐलान से पहले सिलेक्शन से पहले राहुल द्रविड़ ने कुछ नाकारे सीनियर खिलाड़ी और चयनकर्ताओं को भी सीधा सीधा संदेश दे दिया कि उन्हें टीम में कौन चाहिए और कौन नहीं चाहिए, किसे टीम से बाहर करना है।
राहुल द्रविड़ ने मीडिया के सामने कहा कि कई सारे युवा खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। द्रविड़ ने नाम लेते हुए कहा कि सिराज, श्रेयस और मयंक ने काफी अच्छा किया, जबकि अक्षर पटेल को गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी से भी योगदान करते देखना काफी अच्छा लगा। द्रविड़ ने आगे कहा, इन युवा खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा दिनों तक आप क्रिकेट से दूर, मैदान से दूर नहीं रख सकते, क्योंकि इन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। इसीलिए हम अब कड़े फैसले लेने वाले हैं, हमें कुछ खिलाड़ी मजबूर कर रहे हैं। जी हाँ, राहुल द्रविड़ ने यही कहा कि हम साउथ अफ्रीका टूर में बेहद सख्त और कड़े फैसले लेने वाले हैं, कुछ बड़े खिलाड़ी यहाँ पर टीम से बाहर हो जाएंगे। अब टीम से बाहर होने वाले पहले सीनियर खिलाड़ी हैं अजिंक्य रहाणे। जी हाँ, रहाणे अब तक पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते रहे हैं, मगर मुंबई टेस्ट मैच से रहाणे को बाहर करके टीम मैनेजमेंट ने साफ साफ दिखा दिया कि अब रहाणे उनके लिए पांचवें नंबर की पहली प्राथमिकता है ही नहीं। और लंबे समय से टीम के साथ रहे हनुमा विहारी, श्रेयस अय्यर पांचवें नंबर के पहले दावेदार बन चुके हैं। और राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि सूर्य कुमार यादव को भी बहुत ज्यादा दिन इंतजार नहीं करा सकते, यानी कि द्रविड़ की नजर सूर्य पर भी है, उन्हें भी मौके मिलेंगे। तो कुल मिलाकर तीन खिलाड़ी पांचवें नंबर के दावेदार हैं, उनके बाद ही रहाणे का नंबर आएगा। यानी कि रहाणे अब किसी भी कीमत पर फर्स्ट चॉइस पांचवें नंबर के बल्लेबाज नहीं है, रहाणे का टीम से बाहर होना तय है। दूसरे सीनियर खिलाड़ी जिनको टीम से बाहर होना पड़ेगा वो है चेतेश्वर पुजारा। जी हां, पुजारा ने मुंबई टेस्ट की दूसरी पारी में भले ही रन बनाए, मगर ये रन कॉन्फिडेंट रन नहीं दे। और जब अफ्रीका टूर में रोहित शर्मा और केएल राहुल के रूप में रेगुलर ओपनर वापसी करेंगे तो तीसरे नंबर के लिए मयंक अग्रवाल और शुभमान गिल भी दावा ठोकेंगे। गिल और मयंक ने न्यूजीलैंड सीरीज में काफी अच्छा खेल दिखाया है, और पुजारा से पहले इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को तीसरे नंबर पर खेलने का मौका मिल सकता है। यानी कि पुजारा भी टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग से बाहर हो चुके हैं, पुजारा का भी टीम से बाहर होना करीब करीब तय है। टीम के तीसरे सीनियर खिलाड़ी जिन्हें टीम से बाहर किया जाएगा वो है ईशांत शर्मा। जी हां, राहुल द्रविड़ ने ईशांत शर्मा को भी मुंबई टेस्ट मैच में बाहर किया था और सिराज को मौका दिया था। अब मुंबई की पिच पर सिराज तूफान मचा सकते हैं, तो फिर साउथ अफ्रीका की पिचों पर तो सिराज का तहलका मचाना तय है। और ऊपर से बुमराह, शमी और शार्दुल की भी वापसी होगी। ऐसे में राहुल द्रविड़ ने ईशांत शर्मा की उम्र को लेकर भी बात की है। द्रविड़ ने कहा कि ईशांत को अपनी फिटनेस पर काम करना होगा, यानी कि इशारा साफ है कि ईशांत अब बूढ़े हो चुके हैं और वो अपना रास्ता नाप लें। अब चौथे सीनियर खिलाड़ी की बात करते हैं जो कि बेहद कड़ा और बड़ा फैसला हो सकता है, और वो होगा रिद्धिमान साहा। जी हां, साहा ने भले ही न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में शानदार विकेट कीपिंग की और इस बार तो रन भी बनाए, मगर साहा की उम्र उनके आड़े आ रही है। रिद्धिमान साहा की उम्र 37 साल हो चुकी है, जबकि राहुल द्रविड़ कह चुके हैं कि हम युवाओं को ज्यादा दिन बेंच पर नहीं बैठा सकते। यानी कि इशारा साफ साफ है कि केएस भरत साउथ अफ्रीका टूर में सेकंड विकेट कीपर हो सकते हैं, जबकि ऋषभ पंत की वापसी के बाद टीम के पहले विकेट कीपर पंत ही होंगे। और द्रविड़ के इशारे के बाद बहुत संभव है कि रिद्धिमान साहा को भी टीम से बाहर कर दिया जाए, जो कि बहुत बड़ा और कड़ा फैसला होगा। तो कुल मिलाकर राहुल द्रविड़ उन सीनियर्स खिलाड़ियों पर बेहद सख्त हैं जो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लगातार टीम पर बोझ बने हुए हैं, और इसीलिए राहुल द्रविड़ ने साफ साफ कहा कि सीनियर्स पर कड़ा फैसला लेने का वक्त आ गया है, युवाओं को हम मौका देंगे। तो आपका क्या मानना है, इन चार खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला कितना सही है और युवाओं को मौका देना कितना ठीक, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।